नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम इस वक्त उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां से भारतीय टीम के हाथों में जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है। भारत ने आज दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जहां ऋषभ पंत की तूफानी पारी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को नस्तोनाबूद करके रख दिया। ऋषभ पंत ने आज चिन्नास्वामी के मैदान में दर्शकों को झूमने का पूरा मौका दिया, क्योंकि जैसी उन्होंने पारी खेली शायद ही आने वाले समय में कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज इस तरह की पारी खेल सके। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने आज 50 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने मात्र 31 गेंदों का सामना किया। अपनी पारी के दौरान ऋषभ पंत ने 7 चौके और 2 बड़े छक्के भी जड़े। पंत ने आज अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टेस्ट क्रिकेट का 40 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि पंत ने आज अपना 50 महज 28 गेंदों में ही पूरा कर लिया। इसी के साथ ऋषभ पंत अब भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने भारत के विश्व कप विजेता कप्तान को पछाड़ दिया है, जिसमें पहले स्थान पर कपिल देव का नाम है, जिन्होंने साल 30 गेंदों में कीर्तिमान अपने नाम किया था। पंत ने आज अपनी पारी के दौरान पहले ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाते हुए तेज बल्लेबाजी की, जिसके बदौलत भारत डिनर के समय से पहले ही 300 रनों की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।